हमारा देश प्रेम और स्नेह से भरपूर है। गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आइए एक दूसरे का सम्मान करने और राष्ट्र का गौरव बढ़ाने का प्रण लेते हैं। संतोषी माँ सुनाई व्रत कथाएं की पूरी टीम की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते, मैं सारिका भरोलिया यानी कि आप सभी लोगों की प्यारी सी गुड़िया। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस हमारे बहुत करीब आ चुका है, तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गणतंत्रता दिवस की हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिताश गौड़ आपका चहेता मनमोहन तिवारी भाभी जी घर पर है के तमाम कलाकारों की ओर से आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे देश का संविधान बना था और पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। अपने देश को प्रणाम करता हूं, हमारे लोकतंत्र को प्रणाम करता हूं, इस देश की जनता को प्रणाम करता हूं और एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। 26 जनवरी की जो प्यारी याद है मेरे साथ, जब भी ये तो ठंड का समय होता था तो ठंड में और ठंडे पानी से नहाते थे। अभी तो बहुत इजीली पानी गर्म करो गीजर में, लेकिन उस समय ठंडे पानी से ही नहा के जाना और बताना कि ठंडे पानी से नहा के आए भाई और व्हाइट ड्रेस को एकदम प्रेस करके एकदम कड़क ड्रेस लेके पहन के जाना ऐसे। और स्कूल में परेड होती थी जब भी ग्राउंड में, तो मेरा जो ड्रॉबैक है कि राइट और लेफ्ट हमेशा भूल जाती हूँ, तो जब परेड राइट होती थी मैं लेफ्ट खड़ी होती थी ऐसे, तो हमें बहुत डांट पड़ी है मुझे। तो आज भी कभी कभी कॉलेज में मेरे दोस्त मुझे चढ़ाते हैं कि कामना राइट लेफ्ट पता है ना, इवन कैमरा के टाइम में भी जब हम शूटिंग करते हैं वहां भी भूल जाती हूँ राइट लेफ्ट क्या है। तो ये एक याद बड़ी प्यारी सी है। और मतलब एक महीने पहले से ही हम लोग फंक्शन की तैयारी करते थे स्कूल में, तो वो लड्डू मिलना और हम लोग स्पेशल लंच मिलता था, तो जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं फंक्शन की तो उनके लिए लंच अलग से आता था, तो वो अरे यार हम लोग और बहुत ही प्राउडली हम लोग बोलते थे हमारा शो है, हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी सी यादें हैं जो बहुत मिस करती हूँ मैं अभी। अभी तो सिर्फ लगता है कि जब भी गाने सुनती हूँ तो लगता है कि चलो 26 जनवरी है और 15 अगस्त करीब आ गया है, तो अभी भी वही हाल लगता है बचपन की यादें फिर से कहते हैं ना एकदम नई आंखों के सामने आ जाती है। तो आप सभी को राधे राधे बोल रहे हैं गणतंत्र दिवस की, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, राधे राधे। नमस्ते, मैं हूँ स्वाति संतोषी माँ सुनाई व्रत कथाएं से, और मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अगर अपने यादों की बात करूं और मेमोरी की बात करूं रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई, तो सबसे पहले मुझे याद आता है DD1 पे परेड जो होती है हर साल 26 जनवरी के दिन, जो दिल्ली में परेड होती है इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और कितने सारे रीजन्स के लोग उस परेड में हिस्सा लेते हैं और कितने सारे लोग देखने आते हैं, तो वो एक मेमोरी है जो DD1 पे हम देखते हैं हमेशा, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है उस पर, तो वो बचपन की याद है। और बचपन में मैं मुंबई में रही हुई हूँ, तो यहाँ पर है फ्लैट सिस्टम सोसाइटीज जो हर त्यौहार मिलके मनाते हैं, तो वो मैं याद करूँ तो उसमें सुबह सुबह देशभक्ति के गीत लग जाते थे सोसाइटीज़ में, और छोटे बच्चे और सब बड़े झंडे लेके घूम रहे हैं और हम परफॉर्मेंस करते हैं। और स्कूल में भी स्पेशली 2 घंटे का स्कूल होता था हमारा, सिर्फ फ्लैग होस्टिंग के लिए जाते थे हम, तो वो चीज़ें हैं जो यादगार है मेरी ये गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई। तो मेरी तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।